हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। चलिए अब रुख कर लेते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। बुलेटिन में इस वक्त की एक और बड़ी खबर, अंतरिक्ष में भारत की एक और बड़ी कामयाबी को लेकर बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। जी हाँ, चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान 2 स्थापित हो चुका है। बड़ी और अहम खबर, इसरो का मिशन सक्सेसफुल हो चुका है, सफल हो चुका है। तो इसरो का मिशन सफल, 7 सितंबर को चंद्रमा पर चंद्रयान 2 की लैंडिंग होगी। एक बड़ा अचीवमेंट इसको कहा जा सकता है, भारतीय वैज्ञानिकों का एक बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया है अंतरिक्ष में भारत की। ये एक और बड़ी कामयाबी है भारत के लिए, भारत के वैज्ञानिकों के लिए बहुत गौरवपूर्ण बात है ये, क्योंकि एक के बाद एक ऐसी उपलब्धियां हैं जो भारत के वैज्ञानिक हासिल कर रहे हैं और उसी कड़ी में इसरो का जो मिशन है वो सफल हो चुका है। अब 7 सितंबर को चंद्रमा पर चंद्रयान 2 उसकी लैंडिंग हो जाएगी। हालांकि कहा जा रहा था बहुत मुश्किल है ये, बहुत टफ काम है, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने, भारतीय वैज्ञानिकों ने ये कर दिखाया है। और अब अंतरिक्ष में भारत की एक और बड़ी कामयाबी इसको हम कह सकते हैं, जिसमें चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान 2 स्थापित हुआ। तो इसरो का मिशन सफल हो चुका है, 7 सितंबर को अब कहा जा रहा है कि चंद्रमा पर चंद्रयान 2 की लैंडिंग हो जाएगी। बहुत सारी पेचीदगियां इसमें कही जा रही थी, काफी ऐसी चीजें थी जो कहा जा रहा था कि बाधा बन सकती है, लेकिन उन सब बाधाओं से पार करके ये बड़ी कामयाबी हासिल की गई है। डॉक्टर प्रद्युमन हमारे साथ जुड़े हैं, अंतरिक्ष मामलों के जानकार हैं ये। डॉक्टर प्रद्युमन नमस्कार, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी बिल्कुल, नमस्कार। डॉक्टर प्रद्युमन, इसरो का एक और मिशन सक्सेसफुल हो चुका है, 7 सितंबर को चंद्रमा पर चंद्रयान 2 की लैंडिंग हो जाएगी। हालांकि कहा जा रहा था कि काफी मुश्किल था, काफी चैलेंजिंग रोल था, कैसे समझाएंगे आप ये? हाँ जी, ये क्योंकि जो प्रयास है हमारे देश का, तो इसमें जो रॉकेट आपकी टेक्नोलॉजी है उसमें एक बहुत बड़ा ये प्रयास है कि उसको लैंडिंग कराना चंद्रयान को। जी जी, तो निश्चय ही ये जो अंतरिक्ष अनुसंधान में एक बेहतरीन कदम है भारत का, और अपने आप में ये एक जो देश इस टेक्नोलॉजी को अचीव कर चुके हैं उस श्रेणी में भारत पहुंच जाएगा। हाँ जी, और इसमें काफी कुछ बताया जा रहा था चैलेंजेस थे, क्योंकि बड़ा मुश्किल था ये काम और सक्सेसफुल हो गया है, इसका सारा क्रेडिट यानी कि हम अपने वैज्ञानिकों को दें, डॉक्टर प्रद्युमन? बिल्कुल बिल्कुल जी, ये सारा श्रेय वैज्ञानिकों को जाता है हमारे, क्योंकि जो पेलोड होता है उसका उसका काफी, उसको कक्षा में स्थापित करने के लिए काफी उसमें टेक्निकल और टेक्नोलॉजिकल जानकारी चाहिए होती है, और अपने आप में वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है ये। तो ये भारतीय वैज्ञानिकों ने एक सपना साकार किया है, तो निश्चय ही उनको श्रेय जाएगा पूरा इस उपलब्धि के लिए। बहुत शुक्रिया। चलिए, डॉक्टर प्रद्युमन हमारे साथ जुड़े थे, अंतरिक्ष मामलों के जानकार थे। 7 सितंबर को अब चंद्रमा पर चंद्रयान 2 की लैंडिंग हो जाएगी। इसरो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा और जानकारी देगा इस बारे में। बड़ी खबर, अंतरिक्ष में भारत की एक और बड़ी सफलता। बड़ी और अहम खबर इस वक्त लगातार आपको बता रहे हैं।